दोस्तों, आसमान में ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये दिवाली से पहले वाली धूम नहीं बल्कि मिसाइल है। जी हाँ, 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे 1 अक्टूबर की रात इसराइल के ऊपर गिराया गया था। ईरान चाहता था कि इन मिसाइलों के जरिए वो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर दे। ईरान ने इसराइल के बड़े बड़े शहरों को अपना निशाना बनाया था, लेकिन इतनी बड़ी सेना, इतनी खतरनाक मिसाइल और इतनी पक्की तैयारी होने के बावजूद इसराइल का एक हथियार ईरान की इन तमाम मिसाइलों के सामने भारी पड़ गया। जी हाँ, इसराइल का एक ऐसा हथियार जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल रखा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है पूरा मामला और कैसे इसराइल अब तीसरा विश्व युद्ध करवाएगी, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस एक पल के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। 1 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला हुआ है, उसका ऑनर्डर ईरान के हेड ऑफ स्टेट और सुप्रीम लीडर अली खमीनी ने दिया था। ईरान की इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि उनकी आर्मी का एक हिस्सा है, उनके अनुसार 90% मिसाइलों ने अपना टारगेट आसानी से हिट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल देश का कहना है कि ज्यादातर मिसाइलें इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट कर ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं, क्योंकि इसराइल का तो कहना है कि मुश्किल से 10% मिसाइल ही इसराइल की धरती को छू पाई, बाकी सब हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी गई, क्योंकि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह बहुत ही मजबूत है। इन मिसाइल्स की वजह से जो तबाही मची है, उनकी कई तस्वीरें सामने भी आई हैं, जहां ये बड़े बड़े गड्ढे आप देख सकते हैं। लेकिन ये तबाही इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा हमला ईरान में करवाया था। ईरान को तो लगा था कि वो इस तरह से इसराइल को जड़ से खत्म कर देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इसराइल ने तो पहले से ही एक ऐसा हथियार तैयार कर रखा है जो अपने देश में होने वाले हमले को पहले ही रोक देगा, और वह हथियार है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। कोई ड्रोन हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर हो कोई रॉकेट, इसराइल के इस सुरक्षा कवच को भेद पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दुश्मन अगर 100 मिसाइलें दागेगा तो उसमें से 90 तो आसमान में ही खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों, केवल आयरन डोम ही नहीं बल्कि इसराइल के पास कई लेयर की सुरक्षा है जो इसराइल की तरफ आने वाले किसी भी खतरे को हवा में ही नष्ट कर सकती है। दोस्तों, इसराइल की मल्टीपल लेवल की सुरक्षा में पूरे 6 अस्त्र शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरह के टारगेट्स और रेंज के लिए किया जाता है। इसके रहते इसराइल का ज्यादा नुकसान कर पाना हद से भी ज्यादा मुश्किल है, जिसका नमूना तो आप 1 अक्टूबर को देख ही चुके हैं, जब ईरान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसराइल पर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन वो हार गया। इजरायली सेना के यह 6 अस्त्र अलग अलग तकनीकों पर काम करते हैं। सबसे पहले है लाइट ब्लेड। इसराइल को हमास समेत कई आतंकी संगठनों से हमले का खतरा रहता है। आतंकियों की तरफ से कई बार छोटे ड्रोन्स, गुब्बारों, पतंगों, रॉकेट मोर्टार और तोप के गोले से हमला किया जाता है, और इनको हवा में ही मार गिराने के लिए इसराइल लाइट ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जो एक बेहद ही विचित्र तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसराइल ने खास तौर पर इसे गाजा से सटी सीमा पर तैनात कर रखा है। 4 साल पहले ही इसराइल की आर्मी ने इसे गाजा की सीमा पर तैनात किया था, जो अब तक यहाँ पर तैनात है, ताकि अगर कोई भी हमला दुश्मनों की तरफ से हो तो ये डिफेंस सिस्टम आसानी से उसे भेद ले। अब बात करते हैं इसराइल के आयरन बीम डिफेंस सिस्टम के बारे में। पिछले साल पहली बार इसराइल ने आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया था। ये सिस्टम काफी दूर से ड्रोन्स, रॉकेट, मिसाइल, मोर्टार को निशाना बना लेता है। इस हथियार को पूरे देश में तैनात किया गया है, जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोमीटर है। दोस्तों, आयरन बीम से जब एक लेजर निकलकर दुश्मन पर हमला करती है, तब इसकी लागत $2,000 यानी कि ₹1,70,000 के करीब आती है, जबकि आयरन डोम से निकलने वाली एक मिसाइल की कीमत करीब ₹8,00,000 होती है। दोस्तों, आयरन बीम से गोलियां, गोले, रॉकेट नहीं निकलते हैं, इसलिए इसे जितना मन करे उतना दागा जा सकता है। ये बहुत ही एडवांस लेवल का हथियार है जो इसराइल की छोटी सी सेना को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है। अब आते हैं इसराइल के सबसे ताकतवर माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की। दोस्तों, ये इसराइल का बनाया हुआ दुनिया का सबसे सटीक और कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है। 2011 में जब इसराइल ने आयरन डोम को अपने यहाँ तैनात किया था, तब से ही ये हवाई रक्षा प्रणाली इसराइल के लोगों को दुश्मनों की मिसाइलों और उनके रॉकेट हमलों से बचा रहा है। इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से आज इसराइल इतने चौड़े में घूम रहा है। आयरन डोम की सटीकता करीब 90% है, यानी कि ये इसराइल की सीमा के अंदर आने वाले 90% खतरों को रोक सकता है। इसे बनाने की शुरुआत साल 2006 में हुई थी, जब हिजबुल्ला आतंकवादियों ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद इसराइल ने स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का फैसला किया, क्योंकि इसराइल को पता चल गया था अगर दुश्मन देश का मुकाबला करना है तो एक तगड़ा डिफेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और आज उसी की बदौलत इसराइल बहुत ही छोटा देश होने के बावजूद दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से एक में गिना जाता है। दोस्तों, आयरन डोम की
रेंज 250 वर्ग किलोमीटर है। ये अब सभी दिशाओं से आने वाले दुश्मन के रॉकेटों पर हमला कर सकता है। मिसाइल फायरिंग यूनिट में तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल प्रयोग करी जाती है, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर से लैस होती है। इसराइल के डेविड स्लिंग को भी इसराइल के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है, और इसे आयरन डोम का सबसे दमदार साथी भी कहा जाता है। ये इसराइल की माध्यम से लंबी दूरी वाली हवाई सुरक्षा प्रणाली है। डेविड स्लिंग को मैजिक वार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हवा में वार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। हालांकि इसे अकेले इसराइल द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि इसराइल ने इसे बनाने के लिए अमेरिका की मदद ली है, जहां इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ये बड़े आराम से बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और क्रूज मिसाइल वगैरह को मार गिरा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हथियारों को हवा में ही नष्ट कर देता है। 40 से 300 किलोमीटर की दूरी से आने वाले हथियारों को ये बड़े आराम से नष्ट कर सकता है। दोस्तों, डेविड स्लिंग मिसाइल दो स्टेज की मिसाइल होती है, जिसकी गति 9000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की है। ये इसराइल की कई लेयर वाली एयर डिफेंस सिस्टम का प्रमुख हिस्सा है, जहां ये मिसाइल आयरन डोम के साथ मिलकर इसराइल की राजधानी तेल अवीव की सुरक्षा में तैनात करी गई है। दोस्तों, इसराइल के पास एरो टू एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन पर हमला करता है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है। इसके तीन वेरिएंट्स हैं, जो 22 से लेकर 23 फीट ऊंचे होते हैं, और इनमें 150 किलोग्राम तक का वार हेड फिट किया जा सकता है। यानी कि हर तरह से यह मजबूत है। दोस्तों, यह दो स्टेज की सॉलिड प्रोपेल वाली मिसाइल है, जो वायुमंडल के बाहर तक जाने की क्षमता भी रखती है। पर सबसे खतरनाक इसकी गति है, क्योंकि 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये मिसाइल उड़ान भरती है, तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। इसे दागने के लिए ट्रक जैसे बड़े व्हीकल का इस्तेमाल होता है, जिसमें 6 कनस्तर होते हैं और उसी में से मिसाइलें निकलती हैं। दोस्तों, एरो 2 के साथ इसराइल के पास एरो 3 वर्जन भी मौजूद है। इसमें अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता है। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, जो इसराइल को वायुमंडल के ऊपर से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसराइल अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहता है। और इसराइल की सरकार ने कभी भी ये नहीं बताया है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी गति और सटीकता कितनी है। लेकिन हाँ, ये दावा जरूर किया जाता है कि ये एरो 2 मिसाइल से ज्यादा तेज गति से उड़ान भरती है। अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को ये मार गिराने में सक्षम है, और इसीलिए इसे इसराइल की सुरक्षा में 2017 से ही तैनात किया गया है। आपको बता दें कि इस मिसाइल की बदौलत इसराइल दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक में आ गया है, जिनके पास अंतरिक्ष में उड़ रहे सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता मौजूद है। ऐसे में दोस्तों, इतनी सटीकता के साथ जब कोई देश अपनी सुरक्षा की तैयारी करके रखता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कभी भी खुद पर हमला होते हुए नहीं देखना चाहता है। अब ऐसे किसी देश पर जब सैकड़ों मिसाइलें दागी जाएंगी, तो उसका नाराज होना तो जाहिर सी बात है। और इसराइल भी कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है, जिसने ये साफ कह दिया है कि ईरान ने यह हमला करके सही नहीं किया है। उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा, और अब इसराइल जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है। इस जवाब की तैयारी में लोग ये अटकलें भी लगा रहे हैं कि हो सकता है इसराइल ईरान पर एटॉमिक हमला कर दे। और अगर एक बार कोई भी देश न्यूक्लियर हमला करता है, तो यकीन मानिए विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। भले ही इसराइल के सिर पर अमेरिका का हाथ हो, लेकिन ईरान भी अकेला नहीं है। रूस और चीन जैसे देश तो अमेरिका का मुकाबला करने के लिए न जाने कब से तैयार है। ऐसे में अगर कहीं एक जगह से भी न्यूक्लियर हमले की शुरुआत होती है, तो वह शुरुआत दुनिया के अंत तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि अगर विश्व युद्ध हुआ, तो तबाही इतनी बुरी होगी कि दुनिया की आधी आबादी तो ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तो दुनिया के बड़े बड़े देश ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि न्यूक्लियर हमला हो। पर अब इसराइल का दिमाग घूम चुका है, वो अब कुछ भी कर सकता है। ऐसे में अगर अमेरिका ने इसराइल को थोड़ी सी भी हवा दी, तो विश्व युद्ध पक्का है। बाकी आपको इस पर क्या लगता है? क्या विश्व युद्ध हो सकता है? क्या अमेरिका विश्व युद्ध कराएगा? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।